हाय एवरीवन, आपका फिर से एक नया वीडियो पर स्वागत है। सो दोस्तों, आप लोगों ने देखा था मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया था संदीप माहेश्वरी सर के ऊपर में, जहां पर मैंने बताया था कि YouTube का जो है एक नया रूल आ गया है जो कि 1 जून से अप्लाई भी हो चुका है कि YouTube का फुल राइट है कि अब YouTube आपका चैनल मोनेटाइज रहे या ना रहे वो एड चलाएगा आपके चैनल पर, और अगर आपका चैनल मोनेटाइज नहीं है तो आपके चैनल पर जो भी एड चलेगा वो पैसा YouTube रख लेगा, और अगर मोनेटाइज है तो वो पैसा आपको मिलेगा। लेकिन दोस्तों, संदीप माहेश्वरी सर इस चीज़ से खुश नहीं थे। जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा, मैंने बताया था कि उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम खड़ा हो गया क्योंकि उनको एड पसंद नहीं है। तो अब वो जो है क्या किए थे कि अपना एक प्लेटफॉर्म बना लिए थे एसएम टीवी के नाम से, जहां पर वो खुद का वीडियो खुद डालेंगे, और सबको लग रहा था कि वो यूट्यूब छोड़ देंगे। लेकिन दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक अपडेट देने वाला हूं उनके चैनल से भी रिलेटेड, साथ ही मैं बताऊंगा कि अगर आपका 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट नहीं है और आपका चैनल मोनेटाइज नहीं है तो आप कैसे ऐड बंद कर सकते हैं, या फिर क्या ऐड बंद होना पॉसिबल है, यूट्यूब का क्या रूल है जो कि 1 जून से अप्लाई हो भी चुका है। तो बने रहे दोस्तों वीडियो पर एंड तक, और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि दोस्तों आपको आगे भी यूट्यूब से रिलेटेड ऐसी वीडियो मिलती रहेगी। चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहां पर मैं बताना चाहूंगा कि संदीप माहेश्वरी सर का जब ये रूल आने वाला था तो उनके पास मेल आया था कि YouTube अब जो है उनके भी चैनल पर ऐड चलाएगा। तो वो जो है इस चीज से खुश नहीं थे, जिसके वजह से उन्होंने एक ओपन लेटर जो है सबमिट किया था YouTube के खिलाफ, और उन्होंने अपने सारे सोशल मीडिया पर वो पोस्ट भी किया था, और इसी चीज पर मैंने भी वीडियो बनाई थी, और हमने सारा जो है उस ओपन लेटर को बहुत सारे ऑडियंस ने उनका जो है शेयर भी किया। शेयर करते करते YouTube के पास वो पहुंचा, और फाइनली YouTube वालों से संदीप माहेश्वरी सर का जो है बात हुआ, और YouTube से जब बात हुआ तो उन्होंने कहा कि मुझे अपने चैनल पर ऐड नहीं चलाना है। तो उन्होंने उनको एक सॉल्यूशन दिया। तो सॉल्यूशन कुछ इस तरह का था कि उन्होंने कहा कि आप अपने YouTube चैनल को पार्टनर प्रोग्राम में ऐड कर लो, उन्होंने मोनेटाइज करके रखा नहीं है, ठीक है। तो उनको उनसे कहा कि आपने अपने YouTube चैनल को आप जो है मोनेटाइज कर लो, मोनेटाइज इनेबल हो जाने के बाद आप जो है जिस सारे वीडियोज़ का मोनेटाइजेशन जो होता है उसको डिसेबल कर देना। तो जैसे ही आप डिसेबल कर देगा वैसे आपका ऐड नहीं आएगा। मतलब YouTube का रूल कुछ इस प्रकार से आया है कि अगर आपका चैनल मोनेटाइज है और आपको ऐड नहीं चलवाना है तो आप अपने वीडियो का मोनेटाइजेशन डिसेबल करके रखोगे तो आपके वीडियो पे ऐड नहीं आएगा। लेकिन दोस्तों, अब यहाँ पर बात आती है जिनका चैनल मोनेटाइज ही नहीं है, जिनका 1000 सब्सक्राइबर ही कंप्लीट नहीं, तो उनके भी चैनल पर तो ऐड आएगा, तो फिर वो कैसे ऐड को बंद कर सकते हैं? तो उनके लिए कोई भी रास्ता नहीं है। तो YouTube जो है पूरा का पूरा टारगेट किया है छोटे चैनल कर, छोटे क्रिएटर्स को जिनका चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर्स भी नहीं है, जिनके चैनल पर 4000 आवर्स का वॉच टाइम कंप्लीट नहीं है, उनका पूरा का पूरा पैसा YouTube खाएगा। एक तरह से मुझे बुरा भी लग रहा है क्योंकि मेहनत तो आप करोगे लेकिन पैसा YouTube रख लेगा। तो दोस्तों, ये एक फ्री प्लेटफॉर्म जब YouTube देता है तो अब जो है आप समझ लो कि वो अब पैसा भी ले रहा, अब फ्री में प्लेटफॉर्म नहीं दे रहा, आपका मेहनत का पैसा वो रखेगा क्योंकि उनका प्लेटफॉर्म पे आप वीडियो अपलोड कर रहे हैं, कुछ इसी तरह का उनका टारगेट है। तो अब जो है आपका अगर 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट नहीं है, आपका चैनल मोनेटाइज नहीं, तो आपके चैनल पर ऐड चलेगा और वो पैसा YouTube रख लेगा, और जिस दिन आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा उसके बाद अगर आपको पैसा YouTube को नहीं देना है तो आप अपने वीडियोस का ऐड को बंद भी रख सकते हो। ये कुछ इस प्रकार से ऐड आया है। और संदीप माहेश्वरी सर का जो है एक नया अपना प्लेटफॉर्म भी है sandeepmaheshwari.tv, तो वहाँ पर भी जो है उनका वीडियोस आएगा रेगुलरली, और वो यूट्यूब क्यूट नहीं कर रहे हैं, वो यूट्यूब पे भी वीडियोस डालेंगे। उन्होंने एक वीडियो अपलोड किया था कल ही और उन्होंने ये अपडेट भी दिया है। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया है कि क्या YouTube का नया रूल है, किस पे ये अप्लाई होगा, किसको टारगेट किया जा रहा है। आप लोगों को कैसा लगा ये अपडेट मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लेना। चलिए आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।